तो गाइस अभी यहाँ पर देख सकते हैं हमारा 200 वॉट का फिलामेंट बल्ब गाइस यहाँ पर सक्सेसफुली ऑन हो चुका है। हेलो गाइस, फिर से आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको एक पावरफुल पोर्टेबल एसी इन्वर्टर बनाकर दिखाने वाला हूँ। कैसे इस इन्वर्टर से आप अपना फोन चार्ज कर सकते हो, लैपटॉप चार्ज कर सकते हो, और गाइस जो 200 वॉट का फिलामेंट बल्ब आता है वो भी आसानी से इससे चल जाएगा, और गाइस इससे आप टेबल फैन, सीलिंग फैन भी चला सकते हो। और गाइस इस इन्वर्टर को बनाने में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट यूज होने वाले हैं वो बड़ी आसानी से आपको किसी भी लोकल इलेक्ट्रॉनिक शॉप में या ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगे। तो गाइस इस पावरफुल पोर्टेबल एसी इन्वर्टर को कैसे बनाना है फुल डिटेल्स में गाइस इस वीडियो में मैंने बताया हूं, तो वीडियो को आप कंप्लीट वॉच कीजिए। और गाइस चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे अमेजिंग वीडियोस में हमेशा आपके लिए लाता रहता हूं। और गाइस ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तो गाइस चलिए चलते हैं स्टूडियो में और गाइस इस पावरफुल पोर्टेबल इन्वर्टर को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इन्वर्टर बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ इस तरह की प्लाईवुड शीट की जरूरत पड़ने वाली है। इसकी जो लंबाई है वो है 14 इंच और इसकी चौड़ाई है 7 इंच। गाइस इसमें लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग इसमें ले सकते हो। तो इसके बाद गाइस हमें इन सारे कंपाउंड की जरूरत पड़ने वाली है एक पावरफुल इन्वर्टर बनाने के लिए। तो चलिए सबसे पहला कंपाउंड यहाँ पे देख लेते हैं। ये गाइस एक इन्वर्टर सर्किट बोर्ड, 200 वोल्ट इन्वर्टर सर्किट बोर्ड, इसको मैंने ऑनलाइन परचेस किया हूँ। 200 रुपीज का ये बोर्ड मुझे यहाँ पर ये मिल गया है। इसका बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से देखिए गाइस इसको आप परचेस कर सकते हो। तो चलिए अभी दूसरा कंपाउंड देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं ये है गाइस एक UPS ट्रांसफार्मर, 12/0/12/10 amps का UPS ट्रांसफार्मर है। इसको गाइस मैंने जो पुराना UPS रहता है कंप्यूटर UPS उसमें से मैंने निकाला हूँ। आपको गाइस खराब वाला कंप्यूटर UPS किसी भी कंप्यूटर रिपेयरिंग शॉप से आराम से मिल जाएगा, 100-150 रुपए का वो मिल जाएगा गाइस आराम से आपको। तो चलिए अभी तीसरा कंपाउंड यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैं एक स्विच बोर्ड यूज करने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं 2 सॉकेट है और 2 स्विच है, यहाँ पर हम कुछ भी लोड चला सकते हैं इससे। चलिए अभी चौथा कंपाउंड यहाँ पे देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं छोटा सा मैं यहाँ पर स्विच यूज करने वाला हूँ पूरे सर्किट को ऑन करने के लिए। यह गाइस 6 एम्पीयर का स्विच है, देख सकते हैं आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा कैमरे में, 6 एम्पीयर देख सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। इसकी जगह पर आप कोई भी स्विच यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि यही यूज़ करना है। तो गाइस इस हमारे इन्वर्टर को पावर देने के लिए मैं कुछ इस तरह की 12 वोल्ट 15 AH लिथियम आयन बैटरी बैंक का यूज़ करने वाला हूँ। इसको गाइस मैंने घर पर ही बनाया हूँ, इसका मेकिंग वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से देखिए आप इसको बना सकते हो घर पर ही। इस इन्वर्टर में गाइस आप लीड एसिड बैटरी का भी यूज़ कर सकते हो, जरूरी नहीं है आपको लिथियम आयन में यूज़ करना है। लेकिन गाइस ये बैटरी बहुत ही ज़्यादा हल्का है लीड एसिड बैटरी के कंपैरिजन में, तो मैं इसको यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो चलिए गाइस सारे कंपोनेंट को हमें यहाँ पर असेंबल करना होगा, हमारा जो प्लाईवुड शीट है उस पर असेंबल करना होगा। तो चलिए सारे कंपोनेंट को फटाफट यहाँ पर मैं असेंबल कर देता हूँ। तो फाइनली गाइस अभी यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सारे कंपोनेंट्स गाइस अच्छे तरीके से प्लाईवुड शीट पर फिक्स हो चुके हैं। तो गाइस बारी है अब इनके कनेक्शन की, तो चलिए जल्दी से इसके कनेक्शन कर देते हैं। तो गाइस एक बार इसके कनेक्शन में आपको समझा देता हूँ किस तरह से करने हैं। तो गाइस सबसे पहले हमारे जो ट्रांसफार्मर है गाइस उसके कनेक्शन हमारे जो इन्वर्टर पीसीबी है उसके साथ कर देंगे। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांसफार्मर का जो इनपुट वाला पॉइंट है गाइस यहाँ पर 3 वायर निकले हैं, 12/0/12 के कुल ये कनेक्शन है गाइस। तो दोनों जो यहाँ पर ब्लैक कलर के वायर है गाइस यहाँ पर जो पीसीबी है इन्वर्टर पीसीबी यहाँ पर देख सकते हैं 2 हीट सिंक लगे हैं। तो इन दोनों हीट सिंक पर गाइस दोनों वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। यहाँ पे जो हीट सिंक है गाइस इसके साथ देख सकते हैं 2 MOSFET कनेक्ट है, इस वाले हीट सिंक पर 2 MOSFET है गाइस और इस वाले हीट सिंक पर 2 MOSFET है। चलिए एक बार दिखा देता हूं आपको, देख सकते हैं 2 यहाँ पर MOSFET लगे हैं। तो गाइस इन दोनों ब्लैक कलर वायर को गाइस इस तरह से यहां पर कनेक्ट कर देना है इस वाले पॉइंट पर, दोनों हीट सिंक वाले पॉइंट पर। और गाइस जो सेंटर वाला पॉइंट है गाइस 0 वाला पॉइंट, यहां पे देख सकते हैं हमारे जो इन्वर्टर पीसीबी है यहां पर एक डायोड लगा है, देख सकते हैं यहां पर पॉजिटिव का साइन बना है। यह गाइस पॉजिटिव इनपुट के लिए है, यहां से हमें बैटरी का भी पॉजिटिव यहां पर कनेक्ट करना है। और गाइस ये वाला जो ट्रांसफार्मर का सेंटर वाला वायर है गाइस वो भी इसके साथ कनेक्ट कर देना है। और गाइस
यहाँ पे देख सकते हैं इन्वर्टर पीसीबी में, और एक पॉइंट है गाइस, ये है हमारा नेगेटिव इनपुट, यहाँ से गाइस बैटरी का नेगेटिव पॉइंट कनेक्ट करना है इसके साथ, तो गाइस यहाँ पर सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो बैटरी के कनेक्शन एक बार मैं आपको समझा देता हूँ किस तरह से करना है। बैटरी का जो पॉजिटिव वाला वायर है गाइस, हमारा जो स्विच है उसके साथ कनेक्ट होगा एक पॉइंट पर, और स्विच का जो दूसरा पॉइंट है गाइस, यहाँ पर जो डायोड है गाइस, जो हम सेंटर वाला वायर कनेक्ट करने वाले हैं ट्रांसफार्मर का, उसके साथ इसको कनेक्ट कर देना है। और बैटरी का जो नेगेटिव वाला पॉइंट है गाइस, डायरेक्ट हमारा जो नेगेटिव पॉइंट है गाइस, इनपुट पॉइंट जो पीसीबी पर है, उसके साथ इसको कनेक्ट कर देना है। तो गाइस ये कनेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए अभी इसके आउटपुट के कनेक्शन आपको बता देता हूँ किस तरह से करने हैं। यहाँ से गाइस हमें 220 वोल्ट एसी आउटपुट मिलेगा। तो गाइस ट्रांसफार्मर के आउटपुट में यहाँ पे देख सकते हैं कुल चार वायर निकले हैं गाइस, ये तीन फेज के लिए है और गाइस ये है इसका कॉमन। तो गाइस इसमें हम कोई भी वायर यूज कर सकते हैं, सब में से गाइस हमें 220 या 230 वोल्ट आउटपुट मिलेगा, लेकिन गाइस सबसे ज्यादा हाई एम्पीयर गाइस येलो कलर के वायर में से निकलता है, तो गाइस यही वायर हम इसमें यूज करने वाले हैं। इन दोनों वायर को हम डमी कर देंगे गाइस, इसको भी आप यूज कर सकते हो, अगर ये वायर खराब, ये कनेक्शन खराब हो जाए तो इन दोनों में से कोई भी आप एक यूज कर सकते हो, दोनों में से काम चल जाएगा, लेकिन गाइस मैं येलो कलर का वायर यूज करने वाला हूँ। तो गाइस इन दोनों वायर को गाइस हमारा जो स्विच बोर्ड है, यहाँ पर देख सकते हैं स्विच और सॉकेट लगे हैं, उनके साथ कनेक्ट कर देना है। तो इसके भी कनेक्शन आपको बता देता हूँ किस तरह से करने हैं। यहाँ पे देख सकते हैं गाइस स्विच का जो कॉमन वाला पॉइंट है, यहाँ पर मैंने दोनों स्विच को पैरेलली कनेक्ट किया है, देख सकते हैं। तो गाइस इसका पॉजिटिव पॉइंट जो है ट्रांसफार्मर का आउटपुट वाला जो वायर है, इसके साथ यहाँ पर कनेक्ट होगा। और गाइस यहाँ पे देख सकते हैं जो ब्लैक कलर का कॉमन वाला वायर है गाइस, यहाँ पर न्यूट्रल वाले जो देख सकते हैं ब्लैक कलर का वायर मैंने कनेक्ट करके रखा है, ये वाला वायर, इन दोनों सॉकेट पर यह कनेक्ट है गाइस यहाँ पर पैरेलली। तो गाइस ये वायर जो है गाइस कुछ इस तरह से ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट होगा। तो गाइस यहाँ पर हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए गाइस फटाफट सारे कनेक्शन यहाँ पर मैं कंप्लीट कर देता हूँ। तो फाइनली गाइस अभी यहाँ पर देख सकते हैं हमारा पावरफुल एसी इन्वर्टर बनकर रेडी हो चुका है। और गाइस यहाँ पे देख सकते हैं साथ ही में हमने यहाँ पर बैटरी को चार्ज करने के लिए एक मैंने छोटा सा डीसी जैक लगा दिया है। और गाइस यहाँ पर हमने जो स्विच लगाया था गाइस, ये वाली स्विच देख सकते हैं, जो 6 एम्पीयर की स्विच थी, ये खराब हो चुकी है गाइस। इसको मैंने टेस्ट किया था एक बार, तो ज़्यादा एम्पीयर की वजह से ये टोटली खराब हो चुकी है। इसके वजह से गाइस यहाँ पर मैंने एक हाई एम्पीयर की स्विच लगा दिया है, तो ये परफेक्ट काम कर रही है। तो चलिए गाइस अभी इसको टेस्ट कर लेते हैं गाइस, ये इन्वर्टर काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो गाइस इस इन्वर्टर पर सबसे पहले मैं कुछ इस तरह का आपको एक फिलामेंट बल्ब ऑन करके दिखाने वाला हूं। तो गाइस ये 200 वोल्ट का फिलामेंट बल्ब है, तो चलिए इसको यहाँ पर मैं कनेक्ट करता हूँ। तो ये कनेक्ट हो चुका है, और साथ ही में गाइस इसका आउटपुट वोल्टेज भी चेक कर लेंगे, आउटपुट में कितना वोल्टेज आ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मल्टीमीटर को मैंने 600 एसी पर सेट कर दिया है, तो चलिए इसके प्रॉप को भी यहाँ पर मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो गाइस मल्टीमीटर के प्रॉप भी अच्छे तरीके से यहाँ पर कनेक्ट हो चुके हैं, तो चलिए मेन सर्किट को अभी यहाँ पर ऑन करते हैं। तो अभी देख सकते हैं गाइस ट्रांसफार्मर से हमिंग का साउंड आ रहा है, यानी अभी यहाँ पर सर्किट ऑन हो चुका है। तो चलिए अभी बल्ब को ऑन करते हैं। तो देख सकते हैं गाइस सक्सेसफुली गाइस हमारा बल्ब यहाँ पर ऑन हो चुका है, यानी गाइस हमारा जो इन्वर्टर है परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। तो चलिए आउटपुट वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट में 185-184 वोल्ट यहाँ पर शो कर रहा है, क्योंकि गाइस यहाँ पर लोड बहुत ज्यादा हो गया है, इसके वजह से ये ऐसा शो कर रहा है। फिर भी गाइस हमारे जो यहाँ पर इन्वर्टर है वो सक्सेसफुली वर्किंग है। तो गाइस इस इन्वर्टर ने गाइस 200 वोल्ट का बल्ब को आसानी से ऑन कर दिया है। तो गाइस इस पर हम लैपटॉप को चार्ज करके देखेंगे ये चार्ज हो पाता है या नहीं हो पाता। तो चलिए फटाफट लैपटॉप के अडेप्टर के कनेक्शन यहाँ पर कर देते हैं। तो गाइस अभी इसके कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, तो चलिए अभी यहाँ पर मैं इन्वर्टर को ऑन करता हूँ। तो देख सकते हैं ट्रांसफार्मर में से हमिंग का साउंड आ रहा है, यानी ये ऑन हो चुका है। तो चलिए अभी मेन स्विच को यहाँ पर ऑन करता हूँ मैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस लैपटॉप का स्क्रीन ऑन हो चुका है, यानी गाइस लैपटॉप चार्जिंग हो रहा है अभी। चलिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं गाइस यहाँ पर चार्जिंग होना स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर बैटरी का साइन आ रहा है, चार्जिंग कनेक्शन का साइन आ रहा है गाइस। देख सकते हैं बैटरी के परसेंट भी बढ़ रहे हैं, यानी गाइस हमारा जो इन्वर्टर है गाइस लैपटॉप को भी प्रॉपर चार्जिंग कर रहा है। तो चलिए गाइस अभी हमारे इस इन्वर्टर से गाइस टेबल फैन को ऑन करके देखते हैं। गाइस ये जो टेबल फैन है गाइस काफी ज्यादा पुराना है, जो इसमें कैपेसिटर नहीं आता गाइस, डायरेक्ट रहता है ये फैन। और गाइस ये जो फैन है बहुत ज्यादा पावर कंजप्शन करता है। तो गाइस देखते हैं अभी हमारा जो इन्वर्टर है गाइस इस टेबल फैन को ऑन कर पाता है या नहीं कर पाता। चलिए इसके कनेक्शन यहाँ पर कर देते हैं, इसको वायर को मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ। तो चलिए गाइस अभी इसको कनेक्ट करते हैं वायर को यहाँ पर।
तो गाइस अभी ये यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है, तो चलिए गाइस अभी इन्वर्टर का सर्किट को ऑन करते हैं। तो गाइस अभी यहाँ पर सर्किट ऑन हो चुका है, तो चलिए अभी यहाँ पर मैं स्विच को भी ऑन करता हूँ। तो देख सकते हैं गाइस सक्सेसफुली हमारा जो फैन है वो ऑन हो चुका है, और गाइस हमारा जो फैन है गाइस फुल स्पीड में यहाँ पर घूम रहा है, देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ये पावर कंजप्शन करता है गैस। और यहाँ पर हमारा जो ट्रांसफार्मर है इसका हमिंग थोड़ा सा बढ़ गया है, क्योंकि गैस ये पावर बहुत ज़्यादा कंजप्शन करता है। यानी गैस हमारा जो ये इन्वर्टर हमने जो बनाया गैस ये सक्सेसफुली यहाँ पर वर्किंग है। तो यार गैस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये पावरफुल पोर्टेबल एसी इन्वर्टर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, और गैस ये वीडियो अपने इंजीनियर दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हो। गैस ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तो गैस मिलता हूँ मैंने ऐसे टेक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।